आज की इस कक्षा में हम वर्ग 7 के गणित के प्रश्नावली 3.3 को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 8 प्रश्न है पहले प्रश्न में, तो मैं एक प्रश्न हल करूंगा। प्रश्न नंबर 1 का मैं ले रहा हूं 6 नंबर। यह है 7.29 यानी 7.29, फिर से लिख रहा हूं, 7.29 और भाग 9। देखिए इसे किस तरह से हम लोग हल करते हैं। तो 7.29, अगर हम ये दशमलव हटा दें तो ये बटा में 100 हो जाएगा और ये भाग 9, तो ये हमारा हो जाएगा फिर से 729 बटा 100। और ये गुना में, हम जानते हैं कि जब भाग रहता है तो ये गुना में बदलता है और ये 1/9 हो जाएगा, 1/9। अब इस 9 से हम देखते हैं ये तिरछा, ये कटेगा, कैंसिल होगा, तो 9 से 9 8 72, 9 9 9 9 1 9, ये आ गया 81/100। और ये हम पढ़ चुके हैं कि हर में जब 2 शून्य है तो हम कैसे इसमें दशमलव बैठाते हैं। हम शून्य गिनते हैं 1 2, और इधर से दाहिनी ओर गिनते हैं अंकों को 1 2, और यहां ये दशमलव हो जा रहा है, और इधर कुछ नहीं है बाई ओर तो 1 शून्य करते हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 6 हल हो चुका है, 1 का 6। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, यहां भी मान निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2। इसका मैं कोई एक प्रश्न लेता हूं, चलिए इसका मैं 7वां नंबर प्रश्न लेता हूं, 7वां नंबर। तो ये है 1023, अर्थात 1023.12/10। जहां भी ये 10 से भाग है तो ये मुंह जवानी हमारा हल हो जाएगा, इसमें हमको बहुत सारे स्टेप लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या करते हैं, ट्रिक क्या है, सबसे पहले बिना दशमलव के इसका लिखते हैं, 1023.12। अभी चूंकि 10 से भाग देना था और यहां 10 में 0 1 है, तो ये जो दशमलव है इसको हम एक अंक बाई ओर लाते हैं, तो ये हमारा दशमलव यहां पर आ जाएगा 102 के और 3 के बीच में। फिर इसे साफ से थोड़ा सा लिख देता हूं, एक सौ दो और ये दशमलव। तो मैंने क्या किया, यहां 10 में 0 1 था तो ये जो दशमलव यहां था इसे मैं एक अंक, चूंकि 1 0 था तो एक अंक बाई ओर ले गया, तो ये हमारा मान आ गया 102.312। अब मैं प्रश्न नंबर 3 लेता हूं, इसका कौन सा प्रश्न, चलिए पहला वाला ही प्रश्न लेता हूं। तो ये है 25.3/100। प्रश्न नंबर 2 की तरह ही यहां भी मैं करूंगा, पहले ये जो 25.3 है इसे बगैर दशमलव का लिखता हूं, दो पांच।
अब देख रहा है कि 100 में ये शून्य की संख्या 2 है, यानी 2 शून्य है, तो इस दशमलव को हम बाईं ओर 2 अंक के बाद ले आते हैं। तो यहां दशमलव था, तो यहां से हम गिनते हैं 1 2, तो दशमलव आ जाएगा यहां पर, अर्थात यहां पर हमारा दशमलव आ जाएगा। और चूंकि बाईं ओर यहां पर अभी कुछ नहीं है तो ये शून्य। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी 8 प्रश्न हैं, मैं कोई एक प्रश्न बनाऊंगा। 4 का पहला ही प्रश्न लेता हूं। 4 का पहला प्रश्न यह है, 2.05 भाग 1000, तो ये होगा, पहले हमने 10 और 100 से भाग देख लिया था, ठीक उसी तरह से यहां शून्यों की संख्या देख रहे हैं कितनी है, 1 2 3, 3 शून्य है। तो प्रश्न नंबर 2 और 3 की तरह ही पहले बगैर दशमलव का मैं इसे लिख रहा हूं, 2.05। अब देख रहे हैं कि दशमलव यहां पर था, ठीक है, और शून्य हमारे हैं यहां 3, तो हम दशमलव को 3 अंक बाईं ओर ले जाएंगे। तो 3 अंक बाईं ओर ले जाने के लिए पहला तो ये हो गया, 1 हो गया, अब और कोई अंक नहीं है, 2 अंक और चाहिए था, तो उसकी जगह हम यहां बैठा देंगे 2 शून्य, तो ये हो जाएगा 0 0 और ये दशमलव। फिर से समझ लेते हैं, हमें यहां 0 3 है, यहां 1000 में 3 शून्य है, 1 2 3, तो जो हमारा ट्रिक है, जो बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है, वो ये है कि दशमलव को हम 3 अंक बाईं ओर ले जाते हैं। तो यहां से जब 3 अंक यहां पर था, ये यहां पर दशमलव था, तो 3 अंक बाईं ओर ले गए, तो 2 के बाद कोई और अंक नहीं था, तो हम 2 शून्य बैठा दिए। अब दशमलव के बाईं ओर कुछ नहीं है, तो यहां भी हम 0 बैठा देते हैं। यही ट्रिक है हमारा, जितने भी 10, 100, 1000 इस तरह से भाग देने का। अब प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, इसका कोई एक प्रश्न लेता हूं, 7वां नंबर, ये 7वां नंबर ये है, 1.74 भाग 1.5। तो यहां हम क्या करेंगे, पहले दशमलव हटा देते हैं, तो दशमलव हटाएंगे तो ये बटा में, दशमलव के बाद यहां 2 अंक था, तो यहां पर 1 पर 2 शून्य हो जाएंगे, भाग यहां भी हटा देंगे इससे, तो यहां दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहां 1 पर 1 शून्य हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 1.74 बटा 100 और ये भाग गुना में बदल जाएगा, तो ये अंश हर में और हर अंश में आ जाएगा, ये हो जाएगा 10/15। तो हम देखते हैं कि इसको और इसको काटने की, ये कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये 3 से होगा, 3 5 15, और 3 से 3 5 15 और 2 यहां 24 बचा, 3 8 24, इस 5 से ये 10 कैंसिल हो सकता है, तो 5 × 10, तो ये हमारा आ गया 2 8 16, हाथ में रहा 1 2 5 10 और 1 11, ये 116/100। और इसे जब दशमलव में बदलेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहां 2 शून्य है, तो हम पहले तो 116 लिखते हैं, 116, 2 शून्य है, तो दाहिनी ओर से 2 अंक गिनकर हम दशमलव बैठा देंगे, ये यहां पर,
तो ये हमारा हो गया 1.16। अब प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में प्रश्न है, एक समबहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है। समबहुभुज की परिमाप 13.5 सेंटीमीटर है। इसे समबहुभुज में इस समबहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? तो हम स्पष्ट देख रहे हैं कि अगर परिमाप में भुजा की लंबाई से भाग दे दें तो हमें भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे समबहुभुज की परिमाप, समबहुभुज की परिमाप, तो ये हमारा आ जाएगा दिया हुआ है 13.5। और समबहुभुज की एक भुजा, चलिए सिर्फ एक भुजा हम लिख रहे हैं, समबहुभुज की एक भुजा, तो ये हमारा दिया हुआ है 4.5। इसलिए सम बहुभुज के भुजाओं की संख्या ये हो जाएगी 13.5 भाग 4.5। और इसे हम हल करेंगे तो ये दशमलव पहले हटा देते हैं, ये 135/10 भाग ये 45/10। अब ये यहां पर लिख रहे हैं, ये हो जाएगी 135/10 और गुना 10/45। हम देखेंगे कि 45 से 135 कैंसिल होता है तीन बार में, और ये 10 एका 10, 10 एका 10, तो ये हमारा उत्तर आ गया 3। अर्थात समबहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी 3। प्रश्न संख्या 7। 2 दशमलव संख्या का गुणनफल 1.8576 है। यदि उनमें से 1 दशमलव संख्या 0.54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। स्पष्टतः जो गुणनफल दिया हुआ है दो संख्याओं का, उसमें अगर हम 1 दशमलव संख्या से भाग दें तो दूसरी दशमलव संख्या मिल जाएगी। आइए इसे हल करते हैं। प्रश्न संख्या 7, तो इसे इस तरह से लिखेंगे, 2 दशमलव संख्याओं का गुणनफल, तो यह है हमारा 1.8576। 1 दशमलव संख्या हमारी दी हुई है 1.2 संख्याओं में 1 दशमलव संख्या है 0.54। तो दूसरी दशमलव संख्या क्या होगी? दूसरी दशमलव संख्या बराबर ये होगा, हम इसमें इससे भाग दे देंगे, तो 1.8576 भाग 0.54। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1.8576 और दशमलव जब हम हटा देते हैं तो 1 और दशमलव के बाद कितने अंक हैं उतने शून्य हो जाएंगे, 4 अंक हैं, तो 1, 2, 3, 4,
ठीक इसी तरह से ये 54 बटा एक पर 2 शून्य, चूंकि दशमलव के बाद दाहिनी ओर 2 अंक हैं, तो ये हमारा आ गया 1, 8, 5, 7, 6 बटा एक पर 1, 2, 3, 4 शून्य। और जब गुना करेंगे तो ये अंश हर में आ जाएगा और हर अंश में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/54। और इस 54 से हम इसमें अगर भाग देते हैं, आप भाग देके देखिएगा, तो ये आएगा 344। मैं इधर लिख रहा हूं 344। और ये शून्य और ये शून्य, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये बच गया हमारा 344 बटा 100। तो चूंकि यहां पर 2 शून्य है हर में, तो हम दाहिनी ओर से 2 अंक गिनकर दशमलव बैठा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3.44। प्रश्न संख्या 8। गेहूं के कुछ बोरों का कुल वजन 1743 किलोग्राम है। प्रत्येक बोरे का वजन 49.8 किलोग्राम है। कुल बोरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल वजन में अगर हम एक बोरे का वजन से भाग दे दें तो हमें बोरों की संख्या मिल जाएगी। तो आइए इसे हल करते हैं। इसे इस तरह से लिखेंगे, बोरों का कुल वजन, यह है 1743 किलोग्राम और एक बोरी का, प्रत्येक बोरी या नहीं, एक बोरी का वजन यह है 49.8 किलोग्राम। इसलिए बोरों के कुल संख्या ये हो जाएगी 1743, और इसमें भाग दे देंगे हम 49.8 से, तो ये होगा 1743 भाग, यहां से दशमलव जब हम हटा देंगे तो ये हो जाएगा 498/10। और अब इस भाग को अगर हम गुना में बदलते हैं अब, तो ये हो जाएगा 10/498। अब 498 से आप 1743 यानी 1743 में भाग दें, तो आप भाग दें खुद से, ये आता है 3.5। तो ये हमारा हुआ 3.5 × 10। अब हम देख रहे हैं कि ये गुना कर रहे हैं 10 से, तो ये दशमलव जो है वो एक अंक दाहिनी ओर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 35। अर्थात बोरों की कुल संख्या हमारी निकल गई 35।